Good morning, students. May your morning is as bright as your smile. I hope you all are fit and fine. Welcome again in your computer class. Let's start our today's class with a motivational quote. We should respect our elders. बेटा हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। आपकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स सभी के साथ हमें प्यार से बात करनी है और उनका कहना मानना है। सो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 5 दैट इज मोर ऑन एमएस पेंट। टुडे We will do page number 46 and 47. Students, in the last video, you have learned about drawing shapes. Shapes group की help से drawing में हम different shapes को draw कर सकते हैं. Last class में बेटा हमने polygon tool और curve tool की help से shapes को draw करना सीखा. Polygon tool is used to draw a custom shape with any number of sides. Polygon tool की help से हम कितनी भी sides की shape को draw कर सकते हैं. Next is curve tool. Curve tool is used to draw curved lines. Next topic is saving a ड्राइंग। बेटा पेंट में ड्राइंग बनाने के बाद हम अपनी ड्राइंग को सेव करते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है हम अपनी ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेव ऑप्शन इज यूज टू सेव आवर ड्राइंग। पेंट में हम ड्राइंग को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। Students, now we will do our next topic, that is opening a saved drawing. Beta, opening a saved drawing kya hota hai? For example, mama market se pulses, rice, namkeen, biscuit, in sab saman ko lakar ghar mein store kar. और जब भी मम्मा को नींद होती है तो मम्मा इसे निकाल कर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा पेंट में भी हम सेव की हुई ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हमें उस ड्राइंग में कोई भी चेंज करना है हम इजीली कर सकते हैं। पेंट में ड्राइंग को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, ओपन ऑप्शन इज यूज टू ओपन अ सेव्ड ड्रॉइंग। नाउ वी विल लर्न प्रैक्टिकली हाउ टू ओपन अ सेव्ड ड्रॉइंग। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। अब यहाँ पर देखो ओपन ऑप्शन गिवन है ना, ओपन पर हम क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नाउ लोकेट एंड सेलेक्ट द पेंट फाइल यू वांट टू ओपन। अब बेटा यहाँ देखो आपको बहुत सारी फाइल्स दी हुई हैं, आपको अब अपनी फाइल को चूज करना है कि आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हो। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन ओपन। अब हमारी पेंट फाइल ओपन हो गई। आप अपनी जितनी भी ड्राइंग्स को बनाते हो आप उनको सेव कीजिए और सेव करने के बाद आप उनको कभी भी जब भी आपका मन करे आप उनको ओपन करके देख सकते हो। नाउ आई विल टेल यू सेकेंड मेथड टू ओपन आ सेव्ड ड्रॉइंग।
यूजिंग कीबोर्ड। बेटा अब हम कीबोर्ड की हेल्प से सेव की हुई ड्राइंग को ओपन करना सीखेंगे। कीबोर्ड से हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। कौन सी की हमने प्रेस की कीबोर्ड से? कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ की हेल्प से हमारे सामने क्या ओपन हो गया? ओपन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से ड्राइंग चूज कर सकते हैं। यहाँ से सपोज कीजिए मैंने ये ड्राइंग चूज की एंड देन अगेन क्लिक ऑन ओपन। अब देखो हमारी ये ड्राइंग ओपन हो गई। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ड्राइंग को ओपन करने के दोनों मेथड्स क्लियर हो गए। एक मैम ने आपको बताया है फाइल टैब की हेल्प से और दूसरा मेथड है कीबोर्ड की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजिंग पेज। क्लोजिंग पेज मींस पेज को क्लोज करना। फॉर एग्जांपल मम्मा जब घर से बाहर जाते हैं तो सभी रूम्स मेन गेट को क्लोज करते हैं। इसी तरह से पेज में जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो पेज को क्लोज करते हैं। पेज को क्लोज करने के लिए एग्जिट ऑप्शन का यूज किया जाता है। एग्जिट का मीनिंग क्या होता है? बाहर निकलना। जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तब हम पेज को क्लोज करने के लिए एग्जिट ऑप्शन का यूज करते हैं। नाउ वी विल लर्न प्रैक्टिकली हाउ टू क्लोज द पेज प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्या करना है? क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन सेलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद हम एग्जिट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो हमारा पेंट क्लोज हो गया। इफ यू हैव सेव्ड योर ड्राइंग देन पेंट विंडो क्लोजेस। अब आपकी वो ड्राइंग सेव्ड थी तो हमारा पेंट क्लोज हो गया। अगर आपकी ड्राइंग सेव्ड नहीं है, सपोज कीजिए अब देखो मैं आपको एक न्यू ड्राइंग बनाकर दिखाती हूँ। सपोज कीजिए हमने एक न्यू ड्राइंग बना ली और मैम ने इसको सेव नहीं किया और हम पेंट को क्लोज करना चाह रहे हैं, तब क्या होगा? फाइल टैब पर हम क्लिक करेंगे देन क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन। अब बेटा यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। मीन्स आप इसको सेव करना चाहते हो? अब हमारे पास देखो थ्री ऑप्शंस हैं, सेव, डोंट सेव, कैंसल। अगर हम डोंट सेव कर देते हैं तो हमारी फाइल सेव नहीं होगी और पेंट प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अगर हम सेव पर क्लिक करते हैं तब हमारे सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पर नेम टाइप करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैम ने ये सेव नहीं किया तो हम इसको एग्जिट पर क्लिक किया, डोंट सेव। अगर हम इसको डोंट सेव करते हैं तो हमारी ये फाइल सेव नहीं होगी और पेंट प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। देखो हो गया ना पेंट प्रोग्राम क्लोज। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा पेंट प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए भी टू मेथड्स हैं। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है? यहाँ पर देखो पेंट प्रोग्राम में जो आपको टाइटल बार दी हुई है, टाइटल बार के बिल्कुल राइट कॉर्नर पर क्रॉस दिया हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। दिस इज कॉल्ड क्लोज बटन। यहाँ से भी हम पेंट प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। देखो पेंट प्रोग्राम क्लोज हो गया। Students, let's enjoy the animation part of this chapter. More on MS Paint. Meeta, today my teacher has asked me to make a drawing using MS Paint. Will you help me make a picture? Sure, Rita. Let us first open MS Paint. I know how to open MS Paint. Good. So, what do you want to draw, Rita?
I want to draw a house and the moon. Okay, so we will use the triangle tool, rectangle tool, oval tool and text tool to make your drawing. To draw a house, click on the triangle tool and bring the mouse pointer on the drawing area. Now, drag the mouse pointer to draw the triangle. You can make the size of the triangle bigger by dragging the mouse like this. Now, click on the rectangle tool and bring the mouse pointer just below the triangle. Now, keep dragging the mouse pointer till the rectangle fits below the triangle. This triangle is the roof of the house. Let me make the doors and windows of the house. First, I have to select the rectangle. Then, I have to place the mouse pointer where I want to make the door. Now, I have to keep dragging the mouse pointer till I get the shape of a door. Good job, Rita. Thanks, Neeta. Now, to draw the window, I have to select the rectangle again. I need to place it where I want to make the window. See, I have made the window. It is not yet ready. You have to make the bars of the window. To make the bars, first click on the line tool and draw a line. Drag it till it meets the other end of the window. Now, draw the line from top of the window to the bottom. To draw the moon, click on the oval tool and bring the mouse pointer on the top right corner of the drawing area. Now, make an oval like this. Now you can fill colors in your drawing. I know how to fill colors. I will fill them. What do you want to call your drawing? I will call it my sweet home. We use the text tool to write in the drawing area. Click on the text tool and then on the drawing area. A dotted box called the text box with an insertion point appears on the screen. This is where we can type the text. Let us type my sweet home and then click outside the box. The text box now disappears. My drawing looks lovely. Thank you for helping me, Neeta. You're welcome, Rita. Now, all of you, open book page 48. We will do question B, fill in the blanks. Beta, fill in the blanks ke liye hume help box given hai. Pehle hum help box ko read karenge. Free hand, size, fill with color, exit. Number one, the dash tool fills color in a closed shape. Beta, closed shape mein color fill karne ke liye कौन से टूल का यूज करते हैं? करेक्ट आंसर इज फिल विद कलर. नंबर टू, द डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू क्लोज एमएस पेंट. एमएस पेंट को क्लोज करने के लिए कौन से ऑप्शन को यूज किया जाता है? हेल्प बॉक्स में देखिए. करेक्ट आंसर इज एग्जिट. Number three, the pencil tool is used to draw dash drawing. Pencil tool के साथ हम कैसी drawings बनाते हैं? Free hand. Correct answer is free hand. Number four, the dash button is used to choose the thickness of the tool. Tool की thickness को choose करने के लिए कौन से button को use किया जाता है? Correct answer is size. Next, question C. Write T for true and F for false. बेटा, हमें यहाँ पर statements दी गई हैं. इन statements को बताना है. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हम टी राइट करेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हम एफ राइट करेंगे. फर्स्ट इज द कलर पिकर टूल पिक्स द कलर.
फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। क्या कलर पिकर टूल एक ऑब्जेक्ट से कलर को पिक करता है? यस दिस इज ट्रू। राइट हियर ट्रू टी। नंबर टू, यू कैन नॉट एड एनी टेक्स्ट इन अ ड्रॉइंग। क्या आप ड्रॉइंग में कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते? ये तो फॉल्स है, तो इसके लिए हम एफ राइट करेंगे। एफ। नेक्स्ट देखिए नंबर थ्री, द कर्व टूल ड्रॉज स्ट्रेट लाइंस। क्या कर्व टूल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करता है? नो, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कर्व टूल कर्व लाइंस ड्रॉ करता है, तो हम यहां पर एफ राइट करेंगे। एफ। नेक्स्ट नंबर फोर, देयर आर फाइव टैब्स इन पेंट विंडो। पेंट विंडो में फाइव टैब्स होती हैं। नो दिस इज फॉल्स। राइट हियर एफ। दिस इज योर एडवाइजरी वर्क। डू क्वेश्चन बी एंड सी गिवन ऑन पेज नंबर 48 एंड 49। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर। बाय।